सरकार के पास नहीं आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड, कंपनी से मांगा 3 को होगा फैसला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की आहट के चलते पार्टीज ने कर्मचारी वर्ग को रिझाने की कवायद शुरू कर दी। इसी कड़ी में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी की शुक्रवार को शिमला में आयोजित बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने पर चर्चा हुई। एसपी पुलिस को इस सहम काम के लिए मिला राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार, डीजीपी ने दी बधाई। हिमाचल पुलिस को गृह मंत्रालय द्वारा पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए गौरव की बात है। इस पुरस्कार को तय करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परिनियोजन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन व क्षमता निर्माण सहित अन्य विभिन्न मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। कैबिनेट में होगा स्कूल खोलने का निर्णय, अभिभावक चाहते हैं फरवरी में खुले स्कूल। प्रदेश में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल में 15 फरवरी तक छुट्टियां हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल को भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 31 जनवरी तक बंद रखा गया है। ऐसे में 31 जनवरी को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्कूल को खोलने को लेकर सरकार निर्णय करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज सचिवालय में बताया कि स्कूल को खोलने को लेकर 31 तारीख को कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें मिले जुले सुझाव आ रहे हैं।